बरेली में महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 14 महीनों में 9 महिलाओं की हत्या कर चुका था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। बरेली के थाना शाही क्षेत्र में पिछले 14 महीनों में 9 महिलाओं की एक के बाद एक हत्या से इलाके में दहशत फैली हुई थी। महिलाएं घर से निकलने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज उस दहशत का अंत हो गया। बरेली पुलिस ने ऑपरेशन तलाश शुरू करके उस साइको किलर को ढूंढ निकाला जो महिलाओं को निशाना बनाता था। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी कुलदीप गंगवार गांव बाकरगंज समूहा का रहने वाला है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 10 साल पहले कुलदीप की शादी हुई थी, लेकिन उसकी हरकतों से परेशान पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। इसके अलावा कुलदीप की सौतेली माँ उसे और उसकी माँ को परेशान करती थी। बताते हैं कि तभी से वह महिलाओं से नफरत करने लगा। आरोपी को महिलाओं को लेकर कुंठा हो गई। वो महिलाओं को अपने झांसे में फंसाता था, उसके बाद उनसे फिजिकल रिलेशन बनाने को कहता, इनकार करने पर महिलाओं की हत्या कर देता था। हत्याओं का पैटर्न एक ही होता था, आरोपी साड़ी से गला दबाकर हत्या करता था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में हत्या की बात कबूल की है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि हत्यारे तक पहुंचने में 13 महीने से अधिक का समय लगा। हत्याओं का खुलासा करने के लिए एक वॉर रूम तैयार किया गया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन तलाश नाम दिया गया। 22 टीमों का गठन कर 25 किलोमीटर एरिया के रेडियस में करीब 1500 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। 600 नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इसके साथ ही 1.5 लाख मोबाइल नंबरों का डेटा लेकर जांच की गई। तब कहीं जाकर बरेली पुलिस ने साइको किलर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 3 दिन पहले संदिग्धों के 3 स्केच भी जारी किए थे। इनमें से एक स्केच कुलदीप का था। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 IPC के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम, गाँव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेके अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटनास्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएँ की गई हैं उसके बारे में, इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें ये घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं, उन 3 गांव में इसके 2 गांव में इसकी बहनें हैं और 1 गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि ये वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था, या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली
तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसके कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके, उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुगरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाई तरफ गांड इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।